अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा हमजा। तो आज की रेसिपी है ब्लैक पेपर चिकन, जिसके लिए ये और रियल का ब्लैक पेपर मिक्स लिया है, ठीक है। इसके अंदर दो पैकेट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का, स्मॉल और एक मीडियम। तो जो स्मॉल है उसको हम मैंने एक चेस्ट पीस लिया और स्मॉल को मैरिनेट किया और इसको रख दिया, ठीक है। स्मॉल पैकेट मिक्स करेंगे, दोबारा बता रही हूँ, और जो इसका मीडियम पैकेट है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए हम रख देंगे, और ये मीडियम पैकेट है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये है बड़ी इजी सी रेसिपी। अब हमें चाहिए 2.5 ग्लास वाटर, एक इसके एक बॉक्स के हिसाब से जितना मैंने लिया आपको दिखाया, 2.5 ग्लास वाटर, और इसके अंदर हम मीडियम वाला जो पैकेट है वो मिक्स करके उसको भी साइड पर रख देंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत डिलीशियस बनेगी। जब आप बनाइएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अब इसके अंदर हम मीडियम वाला जो पैकेट था वो ऐड करेंगे ऐसे, और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। आप नॉर्मल वाटर लीजिएगा, ना ठंडा और ना गर्म, नॉर्मल वाटर, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मिक्स, अब इसको हम साइड पे कर देंगे। अब उसके लिए हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, ग्रीन चिलीज़ ली हैं 4, और जो लहसुन लिया है वो भी थोड़ा सा, इतने इतने पीस का लिया। प्याज जो है ना उसको बारीक नहीं काटना, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक पेपर चिकन में ये वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं नज़र आती हुई। अब मैं लूँगी 1/2 कप ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद जो हमने क्यूब्स लिए थे इसके लहसुन के, उसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। इसको तब, इसको ब्राउन नहीं करना, जब वाइट हो जाएंगे उतना ही बहुत है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे, और 4-5 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो जी, अब इसको हम कर रहे हैं फ्राई। आपको नज़र, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट में चला जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हो गया है सेट। अब इसको मिक्स करेंगे। अब टाइम आ गया है इसको दम देने का, तो इसको अब हम दम में रख देंगे, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। चलें जी, 5 मिनट बाद इसका दम खोल लिया, और ये बिल्कुल आप अब चेक करेंगे कि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अगर नहीं गला तो इसे दम और दे देंगे, लेकिन ये गल चुका है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको ऐसे फ्राई करेंगे। अब टाइम आता है इसमें वेजिटेबल डालने का, जो कि है ग्रीन चिलीज़ और अनियन प्याज। तो इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। फ्राई करना इसमें मेन काम है कि आपने इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना, और आपकी, क्योंकि ये एक चाइनीज़ डिश है तो चाइनीज़ में डिश को ज़्यादा कुक नहीं करते, चाइनीज़ फूड को, ठीक है। तो इसको अब हम कर किया फ्राई। अब इसके अंदर हम वो मिक्सचर डालेंगे जो 2.5 ग्लास ऑफ वाटर में हमने मिक्स किया था। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हिलाएंगे 4 मिनट के लिए। इस टाइम पे हम सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। आप किसी भी कंपनी की सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क। आपको ऑयल इसके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो खाना है वो तकरीबन तैयार है। तो दोस्तों, अब इसको आपने इतना हिलाना है जितनी थिकनेस आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप इसे सेट कर लेंगे। और ये लें जी, हमारा ये ब्लैक पेपर चिकन है रेडी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा। हमने इसे वेजिटेबल एग राइस के साथ सर्व किया, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आऊँगी बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।